माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉय आईडी कार्ड डिजाइन करना बारकोड के साथ। एम्प्लॉय आईडी कार्ड डिजाइन करने के लिए हम यहां सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे। तो यहां इंसर्ट पर जाएंगे और यहां शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से ये रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर लेंगे, इस तरह यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए एम्प्लॉय आईडी कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसकी हाइट होती है 8.5 और विड्थ होती है 5.4। तो हम यहां पर हाइट ले लेंगे 8.5 और विड्थ लेंगे 5.4। A4 साइज के एक पेज पर इस तरह के 9 आईडी कार्ड प्रिंट किए जा सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहां फॉर्मेट पर जाकर शेप फिल पर क्लिक करेंगे और नो फिल करेंगे। शेप आउटलाइन पर जाएंगे और यहां वेट पर क्लिक करेंगे। यहां से हम आउटलाइन की विड्थ बढ़ा लेंगे, इसको करेंगे 3 PT। इंसर्ट पर जाएंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से हम शेप लेंगे ये एरो पेंटागन, क्लिक करेंगे यहां पर और इसको यहां पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहां से इसको इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से। इसका हाइट हम लेंगे 5.4 और विड्थ लेंगे 3.5 और इसको यहां से उठा के यहां पर रख लेंगे। शेप फिल पर जाएंगे और यहां से कलर ले लेंगे हम। यहां मोर फिल कलर पर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे और ये कलर ले लेंगे, ओके करेंगे। आप कोई अन्य कलर भी यहां पर ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब कंट्रोल डी प्रेस करके इस शेप की एक और कॉपी हम कर लेंगे। तो हम प्रेस करते हैं यहां पर कंट्रोल डी। तो आप देखेंगे यहां पर इस शेप की एक और कॉपी क्रिएट हो गई है। इसमें कलर हम लेंगे डार्क ब्लू, ये कलर। शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे। अब इस शेप को हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे और इसका साइज यहां से थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। अब नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे यहां से और यहां शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहां शेडो पर क्लिक करेंगे और यहां इनसाइड बॉटम राइट पर क्लिक करके इस तरह का इफेक्ट हम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर इफेक्ट आ गया है। थोड़ा जूम करेंगे। अब हम यहां पर कंपनी का लोगो इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहां इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से ये ओवल शेप ले लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके उसको यहां पर सर्किल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहां पर रख लेंगे इसको, शेप फिल पर जाएंगे और नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और ये वेट पर क्लिक करके आउटलाइन कर देंगे 1.5। फिर से शेप आउटलाइन पर जाएंगे और कलर करेंगे येलो, शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहां पिक्चर पर क्लिक करेंगे। यहां फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करके लोगो की पिक्चर को हम यहां पर ब्राउज कर लेंगे, क्लिक करेंगे यहां पर। यहां पर देखिए यह लोगो हमारा, यहां पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर लोगो की इमेज आ गई है। अब हम यहां कंपनी नेम और एड्रेस टाइप करने के लिए यहां टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहां इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहां कंपनी नेम टाइप करेंगे, हम यहां पर अपने चैनल का नाम टाइप कर देते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके, होम पर जाएंगे और बोल्ड कर देंगे। नीचे हम एड्रेस टाइप करेंगे, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। फोन नंबर टाइप करेंगे, ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां इसका फॉन्ट साइज कर देंगे हम 7। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहां शेप फिल पर क्लिक करेंगे और नो फिल कर देंगे। शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। होम पर जाएंगे और यहां से फॉन्ट कलर करेंगे हम व्हाइट।
इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको यहां पर एडजस्ट कर देंगे। होम पर जाएंगे और यहां लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे और यहां से ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे, तो थोड़ा यहां पर एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और ये ओवल शेप पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसका हाइट और विड्थ दोनों रखेंगे हम 2.62। ये हाइट की हमने 2.62 और विड्थ भी कर देंगे 2.62। इस शेप को उठाकर हम यहां पर रख देंगे इस तरह से। शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, रिसेट पर क्लिक करेंगे और यहां ये प्रीसेट वन पर क्लिक कर देंगे। शेप फिल पर जाएंगे और नो फिल करेंगे। अब यहां पर हम एम्प्लॉय का इमेज इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहां शेप फिल पर क्लिक करेंगे और पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहां फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करके पिक्चर को ब्राउज कर लेंगे। यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से ये पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर एम्प्लॉय की इमेज इंसर्ट हो गई है। थोड़ा ऊपर कर लेंगे तरह से। इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे एम्प्लॉय के नेम के लिए। यहां पर यहां हम एम्प्लॉय का नाम टाइप कर देंगे। इसके नीचे हम टाइप करेंगे डेजिग्नेशन, नेम को बोल्ड करेंगे यहां से और फॉन्ट साइज करेंगे 12। नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे हम 7। इस तरह से दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे यहां से इस तरह से और इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे इस तरह से। फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर क्लिक करेंगे और नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और नो आउटलाइन करेंगे। फिर से इंसर्ट पर जाएंगे और शेप्स पर क्लिक करके एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर एम्प्लॉय की हम सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहां से। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एम्प्लॉय कोड, जो भी एम्प्लॉय कोड है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको और यहां पर फोन नंबर। कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां होम पर क्लिक करेंगे और यहां लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे और यहां रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज रखेंगे हम 10। फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स को हम थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से और इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर देंगे। फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से ये रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहां पर एडजस्ट कर देंगे इसको, शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहां से कलर चेंज कर देंगे। हम कर रहे हैं ब्लैक। शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे। अब यहां पर हम बारकोड लगाएंगे नीचे, थोड़ा और जूम कर लेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेंगे यहां से इस तरह। यहां पर हम बारकोड लगाएंगे, उसके पहले हम यहां इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, यहां पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहां पर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन टाइप कर लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आप बारकोड में रखना चाहते हैं तो हम यहां नेम और एम्प्लॉय कोड ले लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां होम पर क्लिक करेंगे और यहां फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से देखिए बारकोड का फॉन्ट है बारकोड 39 के नाम से, इस पर क्लिक कर देंगे। ये फॉन्ट अगर आपके सिस्टम में नहीं है
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पर टाइप की थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ बार कोड में तब्दील हो गई है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ से भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। बड़ा करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। हमने कर लिया है 12, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे इसको और इसको यहां पर एडजस्ट कर देंगे। फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से बार कोड इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। ये बार कोड काम भी करेगा, बार कोड स्कैनर से स्कैन करके आप इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं। यहां इन लाइंस को हटाने के लिए हम यहां राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर वंस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह इन सबको हम यहां पर हटा लेंगे, थोड़ा जूम कम करेंगे। ये आउटर शेप पर हम यहां राइट क्लिक करेंगे और यहां ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो ये आउटर लाइन ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एम्प्लॉय आईडी कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।